ब्रह्मांड के राजा हैं राज राजेश्वर महाराज और इस राजपाट के बीच प्रदेश सरकार के मुखिया यानी राजा को आने की पूरी तरह से मनाही है। ये विधानसभा है अशोकनगर। अशोकनगर 20 साल पहले जिला मुख्यालय के रूप में अस्तित्व में आया था। इस 20 साल में अशोकनगर में क्या बदला है, पिछले 5 और 2.5 साल की बात करें तो कितना काम काज हुआ है, ये हम जानेंगे। लेकिन हम बताएं, अशोकनगर बीजेपी का गढ़ रहा है और वर्तमान में बात करें तो सिंधिया का यहाँ पर दबदबा है। लंबे समय से यहाँ पर दबदबा सिंधिया का रहता आया है। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं और अशोकनगर विधानसभा को समझते हैं। इस समय हम अशोकनगर के मुख्य बाजार में मौजूद हैं और बारिश का दौर लगातार जारी है, रिमझिम लगातार चल रही है। क्या भैया आइसक्रीम लेके बैठे हैं आप? तो अभी तो मंदा चल रहा है कि अभी तो बिक्री कुछ भी नहीं है सर? नहीं है। और चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल भी बहुत तेज है और अभी क्या ये भगा भी चल रही है। अच्छा, विधायक जी क्या कह रहे हैं? विधायक जी क्या तो पता नहीं, अच्छे हैं विधायक, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या काम कर दिए? काम तो विधायक जी ने बहुत किए। क्या अभी इस गर्मियों में जी इस गर्मियों में सड़क डलवा दी और विधायक जी ठेला वगैरह भी लगाने देते हैं गरीब लोगों को। तो विधायक जी खुद आते हैं यहाँ पर ठेला देखने के लिए? हाँ आते हैं कभी कभी। अच्छा, हाँ जी, बगल में जो रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसा तो नहीं कह रहे आप विधायक जी को जानते हैं अच्छे से तो इसलिए? नहीं, जैन समाज के व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं और अच्छा काम करवा रहे हैं। ये सड़क पे हमारे ठेलों में गड्ढे होते थे तो 10 का लगता था, मगर इस बार होली के बाद ऐसा नहीं लगा कि 10 के लगे हों। अभी अभी काम हुए हैं, मतलब पहले नहीं हुए? नहीं अभी हुए, मतलब ये मार्च में। क्या सड़क वगैरह अभी डली हुई है? अभी डलवाई है विधायक जी ने, मनोरिया जी ने। पहले नहीं थी? पहले बिल्कुल नहीं थी, गड्ढे गड्ढे थे, बहुत गड्ढे गड्ढे थे, मतलब बड़े दिनों बाद बनी है सड़क। हाँ, बहुत दिन बाद देखने को मिली। कहाँ जाने के लिए बैठी हुई हैं आप? कहाँ जाना है? हम नहीं तो अच्छा वोट देती हैं आप? दे देंगे। किसको वोट देती हैं? किसको वोट देते हैं नाम नहीं बताएंगे, है ना? वहाँ पे कौन को बता देंगे, कौन को बता देंगे भैया? किसी का नहीं बता सकते तो कौन को नाम बता देगा, बताओ? अभी नाम किसी का नहीं बता सकते। सब अशोकनगर में रिमझिम का दौर जारी है और चुनावी रिमझिम क्या कह रही है? चुनावी रिमझिम कुछ नहीं है, सब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। सरकार चाहता है कि यहाँ पर प्रदेश के मुखिया नहीं आते, उनको आने की मना ही है। यहाँ के राजा राज राजेश्वर महाराज ही हैं यहाँ पे, अब दूसरे राजा थोड़ी आए तो फिर सीधे दरबार में ही आए राजा के पास ही। यहाँ के राजा यही हैं, राजा यही हैं, राजा राजेश्वर महाराज, राजा राजेश्वर महाराज हैं। और साहब चुनाव क्या कह रहे हैं? चुनाव की तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, असमंजस में स्थिति है। असमंजस है? अरे अब लोग चुनाव की मैं क्या कह सकता। विधायक जी के बारे में? विधायक जी बढ़िया हैं, हमारे बेहतरीन विधायक हैं। बेहतरीन? हाँ नहीं, अब आप हमारे लाने तो अच्छे विधायक हैं हमारे। एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब वो 2018 में कांग्रेस में थे तो विधायक चुन लिए गए, जब बीजेपी में आ गए फिर विधायक चुन लिए गए। हमारे तो व्यक्तिगत संबंध है, हमारे भाई साहब अमन लाल ने सब कुछ हुआ है। पार्टी मायने नहीं रखती? पार्टी मायने नहीं। कैसा पार्टी मायने नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पार्टी तो मायने रखती है बिल्कुल। और यहाँ पर स्थिति यह है कि विगत जब से 18 साल हो गए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, लेकिन स्थिति यह है कि जब जिला बना तब वैसा की वैसा यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना सेंटर स्कूल है, ना यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज है, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा। तो जनता ने आपको मौका दिया जी, सरकार भी आपकी दी, विधायक भी आपके दिए, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, शून्य। और ये क्या कारण है कि ये बीजेपी का फिर भी गढ़ है यहाँ? एक्चुअली क्या है कि यहाँ मानसिकता बदलती रहती है लोगों की, और ऐसा कुछ नहीं है। इस बार फेवर दूसरे हमारे उसका पार्टी का, कांग्रेस का है, और इसमें मैं समझता हूँ इस बार सारी सीटें चलेगी, हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी। साहब क्या कैसा काम काज है विधायक जी का? विधायक जी का सर काम तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पिछले कई सालों से अलग अलग पार्टियाँ रही हैं, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, लेकिन अशोकनगर मध्य प्रदेश में सबसे अछूता जिला कहलाता है। अछूता? अछूता जिला क्यों कहलाता है? आप यहाँ की रोडें देख लीजिए, यहाँ की रोडें देख लीजिए, अंडर ब्रिज कई सालों से आज तक नहीं बन पाया, पिछले 10-15 सालों से तो हम ही देखते आ रहे हैं, तब से ऐसी की ऐसी स्थिति बन नहीं पाया है।
चाहे रेलवे अपना रेलवे स्टेशन ले लीजिए, रेलवे स्टेशन 12 करोड़ से बना था जब स्टार्टिंग में बना था, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं सांसद जी हों बधाई जी सभी ने अपना सरना लिया था। उसके बाद उसकी स्थिति ये आज है कि 12 करोड़ पता ही नहीं है कैसा भ्रष्टाचार हुआ, उनकी दीवारें वगैरह सब टूट गई हैं, टाइल्स टूट गए हैं, उन पर जो बैठी का गार्डन वगैरह लगा था, फब्बारा बनाया था टीन का, सब खत्म हो गया। तो यहाँ पर खूब धरना आंदोलन होते होंगे? खूब होते हैं सर, धरना आंदोलन होते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस विपक्ष के तौर पर जो भूमिका निभानी चाहिए जिस प्रकार की, वो निभा नहीं पाती है। सत्ता पक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए अपनी कि सत्ता पक्ष में कार्य करना चाहिए, वो कर नहीं पाता है। फिर क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार? तो रहेंगे, 50-50 रहेगा दोनों का, किसी एक तरफा, किसी का एक तरफा नहीं रहेगी लहर। एक तरफा लहर नहीं है किसी की? नहीं रहेगी सब, एक तरफा लहर नहीं है। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? ठीक है यहाँ पे सब ठीक है। ठीक है, विधायक जी बढ़िया है? विधायक क्या क्या वादे किए थे? वादे तो ठीक है, जो भी किए थे कर रहे हैं वादे तो वो कर रहे हैं। हाँ। कुछ याद है आपको कि कौन कौन सा वादा पूरा कर लिया? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ याद नहीं है। याद नहीं है, पर कार्य अच्छे करे उनने जो भी। कौन कौन से कार्य? सब अच्छा किया है हमारे लिए तो उनने। क्या कर दिया आपके लिए? सब अच्छा है जो भी कर रहे हैं। तो चलिए, हम विधानसभा की तारसी समझ रहे हैं, यहाँ के मतदाताओं के मन को टटोल रहे हैं, और विधायक के कामकाज से लोग कितने खुश हैं ये भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और राजेश्वर महादेव के दरबार से हम आगे चलते हैं शहर में, और शहर में जानते हैं कि विधायक के कामकाज से लोग कितने खुश हैं और लोगों के मन में क्या है। अब हम पहुंचे हैं अशोकनगर विधानसभा के आखिरी छोर नारायणपुर गांव में हम मौजूद हैं, और इस समय देख पा रहे हैं कि बारिश का दौर जारी है, लगातार यहां पर बारिश चल रही है, और बारिश के बीच गांव में चौपाल सजी हुई है, और चौपाल जब सजती है तो वहां पर चर्चाएं होती हैं। चलिए यहां समझते हैं कि किस तरह की चर्चा चल रही है। कोई विकास नहीं हुआ गाँव में, कोई विकास नहीं है हमारे गाँव में, तो पानी नहीं है जमीन में, अभी जमीन में पानी नहीं है, ये तो खेत में तो अभी पानी भरा हुआ है। कल पड़ के सूखा पड़ गया। अच्छा, धान गाय लगी बड़ी, धान खूब होती है यहाँ पर? बैंकर से धान होती है। अच्छा, और गेहूँ? गेहूँ भी होता है। और विधायक जी का काम? विधायक का काम चल तो रहा है। क्या क्या? बहुत बढ़िया काम चल रहा है विधायक, बढ़िया काम चल रहा है। विधायक पहले कांग्रेस से आई थी, जब पट्टे मट्टे हुए थे भाई थे बस जमाने में, पहले बहुत पैर पानी बात है। अभी जब से विधायक ही चल रही है, जा इसी में जो जनता पार्टी का राज चल रहा है, महंगाई है कि वर्तमान विधायक जो हैं ये भी तो कांग्रेस से थे ना 18 में, तो पहले खड़ गए थे भी जब, तो पहले उन्होंने काम किए कि अब काम कर रहे हैं? पहले भी काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं, काम को बंद कब कर रहे हैं? खुद तो काम कहा नहीं कर रहे, अब का तो घर घर उठते भी लगेगा काम, तो यही काम होता है। अरे यार क्या बात, सुनो मेरी बात सुनो, जो विधायक जो होता है वही काम लाएगा विधायक, के तुम्हें अलग से काम ला के सोच देगा, अलग से ला के देगा। आपने एक बात बड़ी कही कि घर घर रोटी ला कर देंगे क्या? हाँ तो सही बात, तुम करोगे वो तो काम, तो फंड का काम होता है, जब फंड में आएगा, जब फंड में पैसा आओ तो सड़क के लिए हो जाएगा, ये चलो ये खुदवा दें, जो डैम बनवा रहे हैं जो खुदवा दें, कुछ बन रहे हैं डैम वगैरह? डैम बहुत तो खुद गए, पीछे साल बहुत डैम खुद डैम। अच्छा, अरे बहुत डैम खुदे सब सरपंच ने, बहुत डैम सरपंच ने बहुत डैम आए, कौन कहते वोट डालेंगे, जैसा गाँव जाएगा उस साइड वैसे बाय हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, मतलब गाँव जिधर बोल देगा उधर। आप युवा हो, आप युवा हो? नहीं, हमारे गांव में एकता है, जिधर एक जगह डलेंगे ना भाई हिसाब से वोट डलेंगे। तो ये फैसला कैसे, किस आधार पर होगा फैसला? फैसला गांव के सभी बैठेंगे, जब ये फैसला होगा आज आखिरी में सरपंच आएगा तो उसके हिसाब से डालेंगे, और सरपंच जी बोल देंगे उधर। हाँ, उधर ही डालेंगे, खुद का आकलन नहीं करेंगे क्या सही है क्या गलत है? नहीं करेंगे, वो उनके हिसाब से सही करते हैं गलत करते होते तो बात अलग थी। साहब सरपंच जी जो कहेंगे वो सही बात होगी क्या? सही होगी, बिल्कुल सही होगी। कैसे? वो बोलेंगे वही करेंगे, हम तो अच्छे के लिए, वो हमारा काम करते हैं सारा। हाँ, आप खुद का आकलन नहीं करेंगे नहीं। कौन प्रत्याशी कौन पार्टी ठीक है? नहीं, उनसे बाहर नहीं हो सकते अपन, नहीं उनसे बाहर नहीं हो सकते, गांव से बाहर कोई नहीं होगा। साहब आप भी नहीं जाएंगे? नहीं साहब, हमारा वोट हमारा अधिकार, ऐसा नहीं होता किसी के कहने से वोट डाला जाए। कोई भी लोग कहेगा हम वोट थोड़ी डालेंगे, हमें किधर डालना है वोट ये आप सब लोग जानते हो, तो वोट वहीं पर डलेगा, या कांग्रेस को दें बीजेपी को, वो अलग बात है, पर मेरा वोट मेरा अधिकार, किसी कहने से वोट नहीं डलता। दरअसल हम बात करें चाहे लाडली बहना योजना हो या फिर
कांग्रेस की जो वादा है कि महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे, जो टंकी का मामला है वो भी इस समय ग्रामीण इलाकों में जमकर गूंज रहा है। अशोकनगर विधानसभा में हम शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, चुनावी मुद्दे जाने, जनता की राय जानी और नेताओं का पक्ष भी जाना। अब देखना होगा 2023 में जनता किसका चुनाव करती है। कैमरामैन विजय सेतकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, अशोकनगर।